ठीक है निरंजन जी, क्या वाकई में ये जो झटका है वो 440 वाला नहीं लेकिन हाँ 220 वाला झटका है बीजेपी के लिए? देखिए अभिषेक जी, अगर आप मेरा मूल्यांकन पूछेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि, और मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के लिए अहम और वहम जो है वो सबसे घातक बीमारी होती है। और आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 2014 के बाद में जनता ने सराखों पे बैठाया, पूरे देश के अंदर, कई राज्यों के अंदर सत्ता आई, केंद्र के अंदर लगातार इनको, आप ये समझ लीजिए बम्पर में मेजोरिटी के साथ इनको सत्ता में बिठाया, लेकिन वास्तविकता ये है अभिषेक जी कि वो जो अहम और वहम की जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की लगी, लेकिन 2024 के चुनाव परिणाम के बाद में वहम तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इनका टूट गया, लेकिन अहम जो है वो अभी भी बरकरार था। और रही बात उपचुनावों के परिणाम उठ गया, अभिषेक जी मेरा ये मानना है कि उपचुनावों के अंदर आपको थोड़ा सा, अगर आप इसके अंदर विस्तार से जाएंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पहली बात, जिस तरीके से अगर हम बात करें बद्रीनाथ सीट, तो बद्रीनाथ सीट के ऊपर वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, 51.5%। और रही बात अगर हम बात करें दूसरी वाली उत्तराखंड की, दूसरी वाली सीट मंगलौर सीट की, हाँ मंगलौर सीट की बात करें तो वहां पे देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा से करतार सिंह भटाणा को ले जाकर के वहां चुनाव लड़ाया। अरे भाई, अगर आपको वहां पे अगर किसी गुजर समुदाय के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाना था तो वहां से किसी लोकल व्यक्ति को लेकर के आते, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। वहां पे देखिए जिस तरीके से जनता ने बंपर वोटिंग करी और 69% वोट या 70% के आसपास वोटिंग हुई, यानी कि आप ये समझ लीजिए जो अभी 80-20 की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज का वहां पे प्रभाव था, जनता इस चीज से आहत थी कि भाई कहीं ना कहीं वो सीट भारतीय जनता पार्टी हारे नहीं, लेकिन वास्तविकता क्या थी, कुछ नाराजगी इस बात की थी कि बाहरी उम्मीदवार लाकर के हमारे सर पे का एक मिटा दिया। और भारतीय जनता पार्टी इस चीज से अभी भी अपने आप को इस चीज को संभाल नहीं रही है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, 2014 के बाद भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, लेकिन वो जो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी होगी। कि जिस तरीके से देखिए, अरे यहाँ कहा जाता है अभिषेक जी कि आप जो बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, ये मायने तब रखता है जब आपके चरण और आचरण, आपका चित्र और चरित्र, आप उसके अंदर जब समानता दिखेगी तभी आप ये मान के जनता आपके ऊपर विश्वास कर पाएगी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार की बात करी, भ्रष्टाचार लड़ाई के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा और जनता ने उस चीज को स्वीकार भी किया और उसका जनता ने साथ भी दिया। लेकिन हुआ क्या कि जिस आदमी के ऊपर आप 70,000 का टैग लगाते हैं भ्रष्टाचार का, उस आदमी को दूसरे दिन आप उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, जिस आदमी के ऊपर आप बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा। बहुत अच्छा लगा निरंजन जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, मुझे दिल खुश हो गया।